हम बात कर रहे थे साप्ताहिक राशिफल के 21 से 27 जून तक के लिए। अब मकर राशि के बाद बारी आती है कुंभ राशि की। तो अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ बनती है तभी आप ये वीडियो देखें। तो सबसे पहले बात करेंगे 21 जून की। 21 जून को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि में आपके राशि स्थान से ये नवम भाव में रहने वाले हैं। नवम भाव में रहने से आपकी कोई दूर की या विदेश की यात्रा हो सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। भाग्य अच्छा साथ देगा। पिता से अच्छा सहयोग मिलेगा। साथ में घर के बड़े बुजुर्गों से आपको अच्छी मदद मिल सकती है। या फिर जो स्टूडेंट हैं उनको जो विशेषकर हायर एजुकेशन में हैं काफ़ी अच्छा ये समय जाने वाला है। तो एक तरह से आप अपने एजुकेशन के मामले में कुछ डिसीजन ले सकते हैं। काफ़ी समय से अगर आपको ब्रेक लगा हुआ था एजुकेशन में तो एक बार फिर से आपकी एजुकेशन शुरू हो सकती है। आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई नया कोर्स वगैरह कुछ करना चाहते हैं या अपने करियर को लेकर और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये अच्छा मौका होगा। इस समय आपका कोई भी निर्णय हो सकता है। जो स्टूडेंट विशेषकर विदेश यात्रा करना चाहते हैं या अपने ही कंट्री में किसी दूसरे स्टेट में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंद्रमा यहाँ से थर्ड हाउस को भी देखेंगे। थर्ड हाउस को देखने से जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए कोई भी कार्य कर रहे हैं या कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पर वो अपने अपने जो भी कौशल है उनका, अपनी जो सृजनात्मक क्षमता है या जो उनके अंदर टैलेंट है उसको वो और निखारते हैं, उसको वो आगे बढ़ाते हैं, इम्प्रूव करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं यानी आप एक पत्रकार हैं तो आपको काफ़ी अच्छी इस समय में जो है मदद मिल सकती है इस गोचर की। तो चंद्रमा का थर्ड हाउस को देखना आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। साथ में आप बहुत सारी यात्राएं कर सकते हैं। इस समय में थकान भी आपके ऊपर हावी हो सकती है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल आपको जरूर रखना होगा। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो शुरुआती दिन है काफ़ी अच्छा रहेगा और इस समय आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखने वाले। साथ में आपके जो भाई बहन हैं और जो आपके रिश्तेदार हैं या पड़ोसी हैं उनसे आपका कोई ना कोई काम पड़ेगा, उनसे आपका कोई ना कोई संपर्क बन सकता है तो ऐसे समय में वो आपकी मदद कर देंगे। इसके बाद की अगर हम बात करें 22 और 23 जून की तो चंद्रमा यहाँ से आपके दशम भाव में पहुँचेंगे। दशम भाव में ये नीच के हो जाएंगे लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति काफ़ी अच्छी है तो हम कह सकते हैं यहाँ भी आपको कोई विशेष परेशानी नहीं आने वाली। थोड़ी बहुत आपको कार्यों में रुकावट आ सकती है। तो चंद्रमा का दशम भाव में आना एक तरह से आपको जॉब पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कराएगा। अपने काम पर आपको फोकस करना पड़ेगा। थोड़ी मानसिक परेशानी आपको रह सकती है अपने जॉब वगैरह को लेकर। अब जिन जातकों के अपने बॉस से संबंध खराब चल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा समय नहीं रहेगा। हो सकता है एक बार फिर से आप मानसिक अवसाद से गिर जाएं ये सब बातें सोचकर। इसके अलावा आप अगर पदोन्नति चाहते हैं आपको पदोन्नति मिल सकती है लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको मानसिक कसरत करनी पड़ेगी। इसके अलावा दशम भाव में चंद्रमा का आना आपको करियर के मामले में आगे बढ़ाएगा और अगर आपका करियर अभी तक रुका हुआ था तो आप अब आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे। चंद्रमा का 10th हाउस में आने से जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब की काफ़ी ज़्यादा चिंता रहने लगेगी। साथ में आपको जॉब मिल सकती है, जॉब के लिए आपको हालांकि ट्राई करते रहना होगा। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी आपके 4th हाउस पर। 4th हाउस पर इनकी दृष्टि पड़ने से आपके लिए ये समय में घर से जुड़े हुए कार्य पूरे होते हुए दिखेंगे। कोई प्रॉपर्टी जैसा कार्य है जो अभी तक बीच में अटका हुआ तो वो पूरा हो सकता है। इसके अलावा आपकी फैमिली के साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे होंगे, विशेषकर आपकी माताजी के साथ। अगर माताजी को कोई हेल्थ संबंधी कोई परेशानी चल रही थी या कोई और इश्यू चल रहा था तो वो दूर होगा। साथ में आपको मन में काफ़ी ज़्यादा शांति घर में महसूस होगी। घर का माहौल काफ़ी खुशियों भरा रह सकता है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो 24 और 25 की जहाँ तक बात है चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे जो आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। अब लाभ स्थान के चंद्रमा आपको काफ़ी कुछ देने वाले हैं। धन से जुड़े हुए जितने भी आपके कार्य हैं वो आपको निपटाने चाहिए और आपको कुछ ऐसे लाभ जिनके बारे में आपने सोचा ना हो वो लाभ भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। कुछ आपके अच्छे लोग जो मित्र बनेंगे उसकी वजह से आपको फ़ायदा हो जाएगा। कुछ आपके जो ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं वो आपकी सहायता करेंगे तो ऐसी स्थिति में आप किसी से भी कोई फाइनेंशियल अगर हेल्प चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगी। इस समय संतान की प्राप्ति हो सकती है। चंद्रमा के पंचम भाव को देखने से संतान के प्रति आपका स्नेह बहुत ज़्यादा रहेगा। साथ में आपकी संतान आपकी काफ़ी अच्छी मदद कर देगी। इसके अलावा आप
अपनी एजुकेशन से संबंधित कोई अच्छा निर्णय ले सकते हैं। बहुत आप पॉजिटिव रहने वाले हैं इस समय में, और मुख्य रूप से आप अगर कोई भी टैलेंट रखते हैं अपने अंदर, तो उस टैलेंट को और ज़्यादा आप निखारने की कोशिश करेंगे और उससे आप और ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह, इन सब से जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं को काफ़ी अच्छी मदद इस वीक में मिल सकती है। साथ में चंद्रमा का पंचम भाव को देखना प्रेम संबंधों में काफ़ी अच्छी सफलता दिलाएगा, एक नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। साथ में आपको हमेशा अपने जो भी आपका लवर है उससे लगाव काफ़ी ज़्यादा इस समय में रहने वाला है। अब देखिए, चंद्रमा लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं तो लाभ में वृद्धि तो होगी ही, साथ में जो भी आपको लाभ मिलेगा वो कई बार अचानक भी मिल सकता है, और कई बार आपको अपने जॉब की वजह से या कई बार आपका कोई कहीं पर पैसा फंसा हुआ था वो भी आपको वापस मिल सकता है, तो अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर लाभ हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे अंतिम दो दिनों की, यानी 26 और 27 जून की। 26 और 27 जून को चंद्रमा आ जाएंगे आपके लिए 12वें भाव में। 12वें भाव में शनि गोचर कर रहे हैं और वक्री स्थिति में गोचर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा का यहाँ आना आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो परेशानी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपको कॉन्फिडेंस कम रहेगा और आप किसी भी कार्य को समय पर नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा बोझ लगने लगेगा कार्यों का। इसके अलावा थोड़ी आपकी टेंशन बढ़ सकती है, स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानियां बहुत ज़्यादा रह सकती हैं, तो ये सावधानी आपको रखनी होगी। साथ में चंद्रमा का 12वें भाव में आना हालांकि विदेश से आपको लाभ करवा सकता है। अगर आप विदेश से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं या कोई ना कोई आप काम करने ही वाले आगे आने वाले समय में, तो इसका आपको लाभ मिल सकता है। और बढ़ते हुए जो भी आपके खर्चे हैं उनकी वजह से आपके ऊपर काफ़ी दबाव रहेगा, तो अपने खर्चों को आपको कम करते रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको अर्निंग पर करना चाहिए। आपको ज़्यादा अर्न करना चाहिए जिससे आप खर्चे तो हालांकि ज़्यादा कर ही पाएंगे लेकिन अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको भी आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे। तो अंतिम दो दिन अच्छे नहीं जाने वाले हैं, कोई पुराना रोग फिर से आपको परेशान कर सकता है, हालांकि कोई कोर्ट कचहरी का मामला है आपके ऊपर तो वो निपट सकता है। तो चंद्रमा यहाँ से क्योंकि सिक्स हाउस को भी देखेंगे तो जिस स्थान पर आप जॉब करते हैं, जो आपका ऑफिस है, वहाँ की परिस्थितियाँ आपके लिए अच्छी साबित नहीं होंगी। वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको चलता रहेगा, कई बार आपका बॉस आपका साथ नहीं देगा तो कई बार आपके जो साथ वाले हैं उनकी वजह से परेशानी आ सकती है। कुछ लोग आपसे शत्रुता रख सकते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो ये ऐसा समय है जब आपको परेशानी तो आएगी लेकिन आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। अंतिम दो दिनों 26 और 27 जून को कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपका डिसीजन गलत जा सकता है। साथ में अपने स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीक में कुंभ राशि वालों के लिए जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 6 और आपके लिए शुभ रंग रहेगा नीला रंग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।